तो भी नो मर्सी का कुछ ज्यादा टाइम रह नहीं गया, जस्ट 10 या 12 दिन ही है। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको नो मर्सी से पहले जाननी चाहिए, तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूँ वर्मन, तो चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले है ब्रॉक लेसनर का, बहुत बहुत चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर नो मर्सी के बाद रेसलमेनिया तक दिखेगा नहीं। ऐसे सिर्फ लोग नहीं कह रहे, पीडब्ल्यू इनसाइडर बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है एटलीस्ट रॉयल रंबल पर तो दिखेगा ही, डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिखाना पड़ेगा या फिर हो सकता है सर्वाइवर सीरीज पर भी। अगला पॉइंट है स्मैकडाउन स्टार्स परफॉर्मिंग एट रोज पेपर व्यू। अगर आपको नहीं पता, पेपर व्यू जो नो मर्सी है वो ऑफिशियली रो ब्रांड का है, बट स्टिल इस बार बहुत सारे स्मैकडाउन सुपरस्टार्स वहां पर परफॉर्म करेंगे। नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ, जब भी हो जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस बार अंडरटेकर के नो मर्सी में दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लग रहा है कि अंडरटेकर समर स्लैम पर रिटर्न नहीं की तो वो सर्वाइवर सीरीज से पहले होने वाले नो मर्सी पर जरूर रिटर्न कर सकता है। हालांकि उसके बाद एलन एसएल भी होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रो ब्रांड। हाईएस्ट बेटिंग ऑड्स ऑन सीना वर्सेस रोमन रेंस, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने ज्यादा बैटिंग ओट्स लग रहे हैं रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच में, तो आखिरी हफ्ते तक बताना नामुमकिन है, यानी कि इस संडे तक मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता। एट द लास्ट टाइम कुछ भी चेंज हो सकता है, पर मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करता रहूंगा क्या होगा, कौन जीत सकता है, किसके ज्यादा है। पर इस बार पहली बार रिकॉर्ड टूट रहा है एक सिंपल पेपर व्यू पर इतने सारे बैटिंग ओड्स लगना। बैटिंग ओड्स का अगर आपको नहीं पता, सिंपल भाषा में बोले तो सट्टा लगना, यानी कि जुआ ही होता है एक टाइप का, ये जो लोग बैक स्टेज खेलते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू भी इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यहां तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो और वीडियो को लाइक कर ही दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।